नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज एंड वेलकम टू योर चैनल एस्ट्रो एडवाइस बाय फॉर्चून टेलर प्रियंका भारद्वाज। 24 जनवरी 2020 शनि का राशि परिवर्तन। आइए जानते हैं न्यायाधीश शनि हम सबकी राशियों के लिए क्या क्या गिफ्ट्स लेकर आए। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए मेष राशि में शनि कर्म भाव पर आ जाएंगे, मतलब दशम स्थान में आ जाएंगे। तो दशम स्थान कर्म भाव पर आ जाना शनि का मतलब पावरफुल बना देगा आपको बहुत ज़्यादा। एक तो पहले ही आप मेष राशि के हैं, पावरफुल आप वैसे ही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ से आपको बचना है वो ये है कि आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। आपको अपनी जुबान से बोले हुए शब्दों से बचना है, मतलब किसी को कुछ भी बोलने से पहले आपको 100 बार सोच लेना चाहिए, क्योंकि कर्म भाव पर हैं, दशम स्थान पे हैं, मतलब बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप अपनी ही जुबान से, अपनी ही जुबान की वजह से आप अपनी सोशल इमेज खराब कर लेंगे, आप अपने घर में भी कलह का वातावरण बना लेंगे, क्योंकि वैसे ही आपके राशि के स्वामी सूर्य हो गए और शनि का जब ये राशि परिवर्तन हुआ तो आपके कर्म भाव पर आ गया, तो आपको लगेगा कि बस आप ही हैं और कोई कुछ नहीं है, जबकि ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये आपके लिए बहुत गलत और ख़राब है। घर में कलह का वातावरण, लेकिन बिजनेस के लिए ये एक अच्छा टाइम है आपके लिए, क्योंकि कर्म भाव पर है और शनि, जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, न्यायाधीश है। शनि कार्मिक प्लैनेट हैं, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको मिलेगा। तो अगर सुस्ती और आलस आपकी डिक्शनरी पे नंबर 1 पे है तो आपके लिए ये कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपके एक एक मिनट की वक्त की कीमत क्या है, तो ये राशि परिवर्तन आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा उपाय करिए, आप शिव पूजन स्टार्ट करिए, जिससे कि आपका मन आपके कंट्रोल में रहे, आपके अंदर गुस्से की मात्रा ज़्यादा बड़ी ना हो, आप गाली गलौच या बुरे शब्दों का प्रयोग ना करें। थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं हम वृषभ राशि पर। वृषभ राशि में शनि हमारे भाग्य स्थान में बैठेंगे। भाग्य स्थान 9th हाउस, सब कुछ देने वाला। सबसे पहली बात, वृषभ राशि के लिए शनि कभी भी ज़्यादा बुरा नहीं करते हैं, अनटिल अनलेस अगर आप किसी का बुरा नहीं करते। अगर आप बुरा कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आपको छोड़ते भी नहीं हैं ये। वृषभ राशि के जो स्वामी शुक्र हैं, शुक्र और शनि की आपस में मित्रता है, तो इस वजह से ये गोचर अगर आपकी कुंडली में, आपके जन्म चार्ट में बाय बॉर्न अगर शनि अच्छे हैं, अगर शनि नीच के नहीं है या अस्त नहीं है या किसी दुश्मन ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर होगा, आपके भाग्य में वृद्धि लाएगा। जो काम आपके अब तक रुके हुए थे वो काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, आपके चार्ट में शनि वीक है, नीच के हैं या अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये वाला गोचर आपके लिए डिलेज और हर्डल का कारक बनेगा। जो काम आपके 2 दिन में हो सकते हैं उसके लिए 20 दिन लगने शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली आपको जो ध्यान रखना है, वृषभ राशि वालों को सबसे पहले जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि भाग्य स्थान में शनि है, अच्छा है, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना दीजिए, काम आपके बनेंगे लेकिन देर से बनेंगे अगर शनि आपकी कुंडली में खराब है। तो आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आप अपने उपाय कर रहे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये गोचर आपके लिए 99% पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देकर जाएगा। लेकिन अगर आप रेमेडीज़ नहीं कर रहे हैं, आप अपने वार्षिक उपाय नहीं करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए प्रॉब्लम वाला होगा। नेक्स्ट आते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर अष्टम भाव में शनि जब आ जाते हैं, मिथुन राशि के स्वामी हैं बुध,
शनि और बुध की आपस में मित्रता है, क्योंकि बुध वैसे भी एक ऐसा प्लैनेट है जो ना ही किसी से दोस्ती और ना ही किसी से दुश्मनी रखता है, तो वो तो उसका तो काम ही है कि वो जिसके साथ जाकर बैठ जाए उसको अपनी एनर्जी दे देता है। तो मिथुन राशि के लिए अष्टम भाव में जब शनि आ जाते हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव में आने का मतलब मिथुन राशि वालों पर शनि की ढैया। अगर आपकी कुंडली में शनि की दृष्टि चंद्र पर है, या शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, या शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, या चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, या चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, या शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं या किसी एनिमी प्लैनेट के साथ बैठे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आप अपने वार्षिक उपाय कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये गोचर आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि की ढैया मतलब ढाई साल, आप एक तरह से ये समझिए कि ये पीरियड आपको अपनों से दूर कर देगा। आपके काम जो अब तक बन रहे थे या बनने की उम्मीद थी वो रुक जाएंगे। जिन लोगों ने आपको कमिट कर दिया था कि फॉर श्योर आपका काम कर देंगे, बट वो अब आपको डिच कर जाएंगे, आपको धोखा मिलेगा यहाँ पर। तो बेसिकली ये टाइम आ गया है स्ट्रगल करने का, या दूसरी भाषा में कहूँ तो शनि ने आपको अपना स्टूडेंट बना लिया है, मिथुन राशि वालों को खास तौर से, जिसको कि अब वो पीट पीट कर इस ढाई साल में ऐसा कुंदन बना के निकाल देंगे कि इस ढाई साल बाद लोग कहेंगे ये वो आदमी तो नहीं है जो पहले था। आपको बहुत कुछ सिखाने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो अगर आप खुद ही सीख जाएं, झुकना सीख जाएं, दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीख जाएं, तो मेरे ख्याल 80% प्रॉब्लम आपने वैसे ही ख़त्म कर ली। लेकिन अगर आपके अंदर ईगो की मात्रा ज़्यादा है, आप किसी को कुछ नहीं समझते, आपको लगता है कि आप ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो ये पीरियड आपको बहुत कुछ सिखाएगा। 8 मंगलवार आप उपाय एक बता देती हूँ, 8 मंगलवार आप हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को चोला ज़रूर चढ़ाइए, इसके साथ में अपने वार्षिक उपाय लीजिए और वो करते रहिए। क्योंकि अगर आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग वार्षिक उपाय नहीं करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए जो वार्षिक उपाय लेकर कर रहे हैं, जो एस्ट्रो एडवाइस से वार्षिक उपाय लेकर कर रहे हैं, उनको जो मैं उपाय अभी बता रही हूँ आपकी राशि के अकॉर्डिंग, ये करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग वार्षिक उपाय कर रहे हैं, आप सिर्फ वही करिए, उतना ही काफ़ी है, क्योंकि वो वार्षिक उपाय आपकी कुंडली के ग्रह के अकॉर्डिंग आपको बताए गए हैं, तो उसके अलावा आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने वार्षिक उपाय नहीं लिए हैं या नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये जो मैं रेमेडीज़ अभी बता रही हूँ राशि के अकॉर्डिंग, चंद्र राशि के अकॉर्डिंग जो मैं रेमेडीज़ बता रही हूँ, तो प्लीज़ उसको करिए। फिर हम आ जाते हैं कर्क राशि पर। कर्क राशि में शनि का राशि परिवर्तन, क्योंकि शनि हमारे न्यायाधीश हैं और कर्क राशि में ये आ जाएंगे 7th हाउस में, जीवन साथी के घर में, तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी कर्क राशि वालों के लिए शादी के योग बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये 7th हाउस में आ जाएंगे, तो यहाँ पर शादी के योग तो बना देगा, लेकिन क्योंकि 7th हाउस पर होकर दृष्टि इनकी 1st हाउस में पड़ेगी, पहले घर में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो ये यहाँ पर आपको आलसी बनाएंगे, सुस्त बनाएंगे। तो अगर ओवरऑल मैं इस गोचर की बात करूं आपके लिए, तो अगर आप कर्म करना जानते हैं आलस को त्याग कर, अगर आप जानते हैं कि मैं जब तक नहीं करूंगा या करूंगी तब तक मेरा काम नहीं होगा, आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो ये गोचर आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं साबित होगा। लेकिन अगर आप कर्म करना जानते हैं, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लाइफ में नई तरक्की के योग आपके लिए खोलेगा, आपका नए लोगों से आपका मेल मिलाप होगा, तो ये गोचर आपके लिए ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। बस अगर आपकी कुंडली में बाय बॉर्न शनि खराब है और आप वार्षिक उपाय लेकर नहीं कर रहे हैं, तो 43 डेज एक रेमेडी कर लीजिए, 2 पान के पत्ते लीजिए, 2 पान के पत्तों के ऊपर 8 लाल रंग के गुलाब के फूल, 43 डेज कंटिन्यूसली रेमेडी कर लीजिए, 2 पान के पत्ते और 8 लाल गुलाब के फूल लेकर आप किसी भी जो आपके घर के आसपास हनुमान मंदिर है वहां जाइए और रोजाना
मॉर्निंग में, ये उपाय आपको सिर्फ मॉर्निंग में करना है, जाइए और हनुमान जी के सामने आप ये रख कर आ जाइए, और वहाँ बैठ कर अगर जा ही रहे हैं तो 5 मिनट हनुमान चालीसा का भी पाठ कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सिंह राशि में अगर हम बात करें तो छठे घर में आ जाते हैं, सिक्स्थ हाउस में आ जाते हैं, रोग कर्जा बीमारी का घर। अगर सिंह राशि के जातकों के लिए आपकी कुंडली में अगर शनि वक्री हैं, उच्च के हैं, तो इस रोग कर्जे और बीमारी के घर में ही आपको बहुत फायदा देंगे, मतलब इनसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये खराब हैं तो डेफिनेटली ये आपको प्रॉब्लम देने वाले हैं, मतलब रोग कर्जा बीमारी इनको बढ़ाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि छठे घर में बैठेंगे जिस पर से उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, 6, 7, 8, 9 नाइन्थ हाउस में भाग्य स्थान पर दृष्टि बने पड़ेगी तो आपके कार्यों में रुकावट भी बनाएंगे, नीच के हैं, बुरे हैं तो कार्यों में रुकावट बनाएंगे, आपको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा, छोटी छोटी बात पे आप बहुत जल्दी इरिटेट होने लगेंगे। बेसिकली आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके यश में कमी, गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बात पे इरिटेट होंगे, लोगों से भला बुरा कहेंगे तो आपकी ऑब्वियसली सोशल इमेज खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके यश में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पर उपाय के तौर पे सबसे पहले तो मेडिटेशन जरूर करिए, बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में टाइम नहीं है, दिन में करिए, दिन में टाइम नहीं है, रात को सोने से पहले करिए, पर मेडिटेट जरूर करिए। मेडिटेट में कुछ नहीं तो आंख बंद कर चुपचाप से बैठिए और सोचिए आपने आज दिन में किया क्या, आप कर क्या रहे हैं, आपकी लाइफ जा कहाँ रही है, अपने मन को शांत करने की कोशिश करिए, मेडिटेट करिए। और मेडिटेट करने के साथ में आप हनुमान मंदिर में जाइए, मंगलवार मंगलवार अगर रोज कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप 8 मंगलवार तांबे की एक प्लेट लेकर उसमें थोड़ा सा गुड़ और सिंदूर, तांबे की एक प्लेट में गुड़ और सिंदूर लेकर के आप 8 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर में जाइए और वहाँ बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, ये पूरा करके आप ज़रूर आइए। नहीं तो ये वाला जो गोचर है आपको परेशानी ज़्यादा देगा। अगर कुंडली में बाय बॉर्न आपके आपके जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं, उच्च के हैं, तो कुछ मत करिए, सिर्फ लोगों से प्यार से बात करिए, अपने लोअर क्लास लोगों से गाली गलौज मत करिए। अगर आप सिर्फ बड़े छोटे सबको इज्जत दे के बात कर रहे हैं तो ये गोचर आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। लेकिन आप इसका ऑपोजिट कर रहे हैं और शनि आपके खराब भी हैं और आप अल्कोहल भी बहुत ले रहे हैं, आप नॉनवेज भी बहुत खा रहे हैं, तो ये गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहने वाला है। फिर हम आते हैं कन्या राशि पर। कन्या राशि के जातकों के लिए शनि पंचम भाव में है। पंचम भाव मतलब दुश्मन बढ़ेंगे आपके, दुश्मन बढ़ेंगे से मतलब होता है कि आपके कुछ अपने ही लोग जो आपसे जेलसी करना स्टार्ट कर जाए, तो कन्या राशि के जातकों के लिए दुश्मन बढ़ेंगे, लोग सिर्फ आपके लिए बुरा बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, आपकी अच्छाइयों को वो नहीं देखेंगे, वो सिर्फ आपकी सोसाइटी में सोशल इमेज खराब कैसे करें वो इस बारे में सोचेंगे। तो कन्या राशि के जातकों के लिए सब्र और धैर्य बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बुरा नहीं किया है, अगर आपने किसी को गलत नहीं बोला है और सामने वाले ने आपको गलत बोल दिया है या सामने वाले ने आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए झूठ बोला है, तो कोई बात नहीं, सब्र रखिए, क्योंकि शनि न्यायाधीश है। जिसने बुरा बोला है, जिसने बुरा किया है, उसने शायद आपके लिए 10% या 20% किया होगा, लेकिन बदले में उसका खुद से 100% आपको सामने देखने को मिल जाएगा। तो बस जो ध्यान रखना है कि सब्र रखिए, गुस्से पे कंट्रोल रखिए, कन्या राशि वालों खास तौर से गुस्से पे कंट्रोल रखिए, जल्दबाजी में डिसीजन मत लीजिए। किसी अपने बड़े बुजुर्ग से आप जो भी कुछ नया काम करना चाहते हैं, किसी की सलाह मशवरा लेकर काम करिए, तो ये वाला जो शनि का गोचर है आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन धन का सदुपयोग करिए, जो पैसा आपके पास पिछले साल में कुछ इकट्ठा हुआ है उसका सदुपयोग करिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए,
देखिए, अगर ऑलरेडी वो चीज़ है तो मुझे नहीं लगता है कि एक और होनी ज़रूरी है. वॉट आई फील, अगर वो ऑलरेडी चीज़ है, अगर जस्ट आप शो ऑफ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो ये गोचर आपको, आपका जो बैंक बैलेंस बना हुआ है ना, ये उसको खाली कर देगा. तो बहुत सोच समझ कर पैसों को खर्च करें, शो ऑफ में ना करें, किसी की देखा देखी पैसों को खर्च ना करें. और जो मैं बार बार कह रही हूँ कि लोग आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें. अपनी ज़ुबान को जितना मीठा रखेंगे, जितना किसी के लिए बुरा नहीं बोलेंगे, ये फेज़ आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा. इसके बाद हम आ जाते हैं तुला राशि पर आ जाते हैं. तुला राशि में शनि हमारे फोर्थ हाउस में है, चौथा घर, कुटुंब का घर. शनि की ढैया भी है आप पर. मानसिक अशांति का पीरियड है, क्योंकि ये केंद्र में यहाँ आकर बैठ जाते हैं, चौथे घर में बैठकर. इनकी दृष्टि पंचमेश में, तो केंद्र योग, केंद्र त्रिकोण योग ये बना देते हैं. अब इसमें क्या होगा कि आपके अपने लोगों से रिश्ते बिगड़ेंगे, वाद विवाद, वाणी दोष, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा. मतलब एक होता है ना, जैसे आप बैठे हुए हैं और सामने वाला आपको देख देख के भी बात कर रहा है, तो आपके दिमाग में ना ऐसा लगेगा आपको कि शायद वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है, वो मेरी ही बुराई कर रहा होगा. तो ख्याली पुलाव पकाने से बचना है आपको. अगर आपने ये ख्याली पुलाव नहीं पकाए, तो ये फेज़ आपके लिए बहुत अच्छा है. लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि नीच के हैं, किसी पापी ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, या किसी अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो ये फेज़ आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तुला राशि वालों के लिए खास तौर से पीपल के पेड़ की सेवा पकड़ लीजिए. मतलब घर के आसपास जो भी पीपल का पेड़ हो, फर्क नहीं पड़ता कि वो मंदिर में है या रोड पे है, क्योंकि पीपल का पेड़ खुद में ही पूजनीय है. जो पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन दे रहा है, तो उससे बड़ा पूजनीय तो कुछ हो ही नहीं सकता. तो चाहे वो फुटपाथ पे क्यों ना हो, चाहे वो रोड पे क्यों ना हो, आप उस पेड़ की सेवा ले लीजिए. सुबह आप जल में थोड़ा सा मीठा मिलाकर जल चढ़ाना शुरू करिए, और रोज़ाना शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला कर आना शुरू करिए. पीपल के पेड़ की सेवा और अपनी ज़ुबान, जिप इसलिए कहूँगी क्योंकि इस गोचर में ना आप अपने आप को ना किसी राजा से कम नहीं समझेंगे. आपको लगेगा बस मैं ही हूँ, मतलब मैंने जो बोल दिया बस वही होना चाहिए. तो ये थोड़ा सा एक ईगो जो आपके अंदर आ रही है, इसको यहीं पर फुल स्टॉप लगा दीजिए, नहीं तो ये गोचर आपके लिए बहुत परेशानी लेकर आएगा. इसके बाद आ जाते हैं हम वृश्चिक राशि पर. वृश्चिक राशि में शनि पराक्रम घर में है, थर्ड हाउस में है. तो यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बिना पराक्रम के आपका कुछ काम नहीं होगा. अगर आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, तो आपके काम नहीं होंगे. आप जितना खुद से काम करेंगे, ये आपके लिए उतना ही बढ़िया है. क्योंकि शनि कर्म प्रधान है, तो वो कहते हैं कर्म करोगे तो मैं फल दूंगा, नहीं करोगे तो मैं नहीं दूंगा. इट्स वेरी सिंपल. मतलब शनि का लॉजिक इतना सिंपल है कि जैसा करोगे उससे 10 गुना ज्यादा दूंगा. वो ज्यादा टेंशन ना लेते हैं ना देते हैं, तो उन्होंने साफ बोला हुआ है, अच्छा कर रहे हो तो 10 गुना ज्यादा अच्छा करूंगा, और बुरा कर रहे हो तो वो भी 10 गुना ज्यादा बुरा करूंगा. जितना हो सके गरीबों की मदद करिए, गरीबों का दिल मत दुखाइए. गरीब लेबर, अगर आप इनको हर शनिवार कुछ ना कुछ खाने को देते रहें, मीठा नमकीन दोनों चीज़ मिलाकर, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है. वार्षिक उपाय कर रहे हैं तो सिर्फ जो आपके उपायों में आया हुआ है सिर्फ वही करिए, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं. अगली राशि धनु के बारे में बात करें, तो धनु राशि में ये दूसरे स्थान में आ जाते हैं. आपका बैंक बैलेंस, आपके कुटुंब में वृद्धि कराएंगे. आपकी फैमिली में किसी न्यू बॉर्न की गुड न्यूज आप सुन सकते हैं. देखिए, धनु राशि में शनि की अगर मैं बात करूं, तो क्योंकि ये राशि गुरु प्रधान है, इस गोचर में आपकी जुबान को और कड़वा बना देगी. इसलिए नहीं क्योंकि आप बुरा बोलते हैं, इसलिए क्योंकि आप सत्य बोलते हैं. आपकी राशि गुरु प्रधान है,
और गुरु का काम है जो है वही बोलना। और आजकल जिस युग में हम रह रहे हैं, जिसको कलयुग कहते हैं, यहाँ पर लोगों को झूठा सुनना पसंद है, सच सुनना पसंद नहीं है। तो डेफिनेटली आपकी जुबान और कड़वी हो जाएगी, क्योंकि आप और सच्चाई की तरफ जाने लगेंगे। जो अच्छा कर रहे हैं, सिर्फ मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बुरा कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में शनि नीच के हैं या अपने दुश्मन ग्रह के साथ बैठे हैं, तो वो तो वैसे ही उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला जी रहा है या मर रहा है। लेकिन धनु राशि वाले, जिनकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, जो किसी का बुरा करने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन सिर्फ उनकी जुबान, जो सत्य बोलना जानते हैं, जिनके लिए अपने और पराए में कोई भेद नहीं है, जिनके लिए जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, उनके लिए ये गोचर थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला होने वाला है। क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, तो आप बोलने से पहले 100 बार सोचिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको सच्चाई का रास्ता दिखाएं। इस गोचर में आप खास तौर से ध्यान रखिए, अगर सामने वाला आपसे मदद मांग रहा है तो मदद करिए। सामने वाला अगर कहता है कि नहीं मुझे सच सुनना है, तो सच बताइए, नहीं तो आप अपनी जुबान पर ताला लगा लीजिए। जब तक आपके पास कोई मदद मांगने ना आए, तब तक आप अपने आप मदद का हाथ नहीं बढ़ाइए, नहीं तो ये आपकी मान प्रतिष्ठा को खराब करने वाला होगा। आपके कर्म क्षेत्र की बात करूं तो कार्य के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। शनि आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल देंगे। जिनके पास जॉब नहीं थी या जो जॉब चेंज करना चाह रहे थे धनु राशि में, न्यू जॉब के रास्ते खुल जाएंगे उनके लिए। डेफिनेटली न्यू जॉब के योग बनते हैं। विदेश यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं आपके लिए। इसके बाद हम अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि की। मकर राशि के लिए देखिए, शनि आपके पहले घर में बैठे आकर, तो आप सोच विचार बहुत करेंगे, आप किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं कर पाएंगे, पेशेंस की कमी देखी जाएगी आपके अंदर ना, क्योंकि पहले घर में बैठकर दृष्टि इनकी सातवें घर में होगी। तो आप अपने लाइफ पार्टनर को भी कुछ ना कुछ बिना बात पे नुक्स निकालना या कुछ ना कुछ बोलते रहना, मतलब आपकी जुबान ही आपके घर के कलेश को बढ़ाएगी। तो अपनी जुबान को ज़रा बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। स्पेशली आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत कष्टदायी है ये गोचर, तो इस बात का आप ध्यान रखें कि बहुत सोच समझ के बात करें। आप अपने लाइफ पार्टनर का दिल गलती से भी ना दुखाएं, क्योंकि मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, ये शुक्र का कारक है। तो जो अपने शुक्र को खराब कर रहा है, वो अर्निंग के रास्ते अपने लिए खुद बंद कर रहा है, अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल को वो खुद खराब कर रहा है। इसके बाद हम कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में शनि 12वें घर में है। 12वां घर मतलब व्यय का घर, तो ये थोड़ा सा आपके पेट में तकलीफ बढ़ाएंगे। पेट में दर्द की शिकायत या ऑपरेशन जैसे हालात आपके लिए बन रहे हैं यहाँ पर। इसके साथ में ये आपके खर्चे भी बढ़ाएंगे, और क्योंकि 12th हाउस में ये बैठेंगे और इनकी दृष्टि होगी आपके 2nd हाउस पे, तो ये ओवर कॉन्फिडेंट बनाएंगे आपको। आपको लगेगा बस मैं ही राजा हूं, सामने वाला तो बेवकूफ है। आप अपने दिमाग में ना ये सोचेंगे कि सामने वाले को नहीं पता मेरे मन में क्या चल रहा है, या सामने वाले को नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं क्या करने वाला हूं, तो आप सोचेंगे कि मैं मतलब अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, सामने वाला आपका फायदा उठा के चला जाएगा, जो आप बाद में रियलाइज करेंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट में ना आए, ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपके लिए खराब है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास तौर से आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर रोज मंदिर जाएं, हनुमान जी के आगे माथा टेके, लाल रंग का फूल उन्हें जरूर चढ़ा कर आए, और कुछ मीठे का प्रसाद साथ में जरूर रख कर आए। कोशिश करिए रोजाना जाएं। अगर आप नहीं जाएंगे रोज़ाना, तो ये आपको कोर्ट कचहरी, आपके पेट की तकलीफ और आपके खर्चे, इन सब में वृद्धि करा देंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला होगा। माइनर से आपके एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इस तरीके के हालात बनते हैं। तो आप की कुंडली में अगर जन्म से शनि अच्छे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर खराब है, तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए। अपने वार्षिक उपाय कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो वार्षिक उपाय लीजिए, वो करिए।
और अब आते हैं हमारी लास्ट राशि मीन राशि पर। मीन राशि के लिए शनि लाभ भाव में बैठ गए हैं, 11th हाउस में बैठ गए जाकर के, अर्निंग के घर में बैठ गए हैं जाकर के। तो यहाँ पर ये क्या कराएंगे, धनागमन के रास्ते आपके लिए ये न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे मीन राशि वालों के लिए। ये तो मतलब बहुत ही अच्छा हो गया ना, नए नए काम बनेंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे, न्यू अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खुलेंगे आपके लिए। और क्योंकि ये 2.5 साल आपकी ढैया के भी हैं, शनि की 2.5 साल की ढैया भी है, तो पहले शनि क्या करते हैं, लालच देते हैं आपको कि देखो भाई पैसा भी दे रहा हूँ तुमको, नेम और फेम भी दे रहा हूँ तुमको, ये सब दे रहा हूँ। उसके बाद फिर वो आपको बिठाते हैं सीट पर, एक ऊपर की गद्दी पर बिठाते हैं आपको, फिर वहाँ से वो आपके अंदर घमंड भी भर देते हैं। उस घमंड को निकाल कर फेंकना वो आपके हाथ में है, लेकिन उन्होंने तो थोड़ा सा भरा और आप उसको ज़्यादा अगर ले गए तो वो सीट से आपको प्यार से नहीं उतारेंगे, वो आपको धक्का दे के नीचे गिरा देते हैं। क्योंकि शनि का काम इसी तरह है सिखाने का, वो पहले पीट पीट कर अपने स्टूडेंट को बहुत कुछ सिखा देते हैं। जब वो बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता है ना, उसके बाद में वो फिर एक बार शनि चालाक बुद्धि, तीव्र बुद्धि, विश्वास किसी पर नहीं, तो वो किसी पर विश्वास नहीं करते, वो अपने स्टूडेंट पर भी जल्दी से उन्हें विश्वास नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपने स्टूडेंट को टॉप से और ऊपर तक ले जाऊं। तो इस वजह से मीन राशि वालों के लिए जो ध्यान देने वाली बात है, स्टूडेंट्स के लिए ये मैं कहूंगी थोड़ा सा डिफिकल्ट फेज रहेगा, क्योंकि ये 11th हाउस में तो वो अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर अर्निंग की तरफ मुड़ सकते हैं कि भाई हम पढ़ाई ना करें और अर्निंग के लिए क्या कर सकते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी जैसी आदतों में आपको फंसाएगा ये। क्योंकि पढ़ाई छोड़कर अब आप अर्निंग करना चाहेंगे, आपकी एज नहीं है तो अर्निंग तो आप इन्हीं चीज़ों से करना चाहेंगे ना, और शनि जब खराब है तो वो कम टाइम में ज़्यादा पैसा कैसे करना है ऐसी सोच लेके आते हैं। तो जुआ सट्टा लॉटरी, इनसे खास तौर से बचना है आपको, ठीक है। शिव पूजन करें, हनुमान पूजन करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वार्षिक उपाय अगर आप लेकर कर रहे हैं तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने उपाय करते रहेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी होगी। जय माता दी।